तो दोस्तों, अभी एक रिसेंटली मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मैंने 3 स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट किया था। अभी कुछ दिन पहले मैंने और 3 स्टॉक्स में लगभग 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। आज उन स्टॉक्स पे मैं ब्रीफली यहाँ पर बात करने वाला हूँ। वीडियो का पर्पस किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। काफ़ी सारे लोग मुझे बोलते हैं कि कहीं भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं ज़रूर आपको लोगों को भी उस चीज़ के लिए एजुकेट करूँ, तो इसलिए ये वीडियो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। सबसे पहले जिस स्टॉक में मैंने रिसेंटली इन्वेस्ट किया लगभग 140 के लेवल्स पे, वो है IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड का स्टॉक। अब इस स्टॉक को अगर आप यहां पर देखेंगे, हालांकि ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, लेकिन अभी भी अगर आप इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो 10 के आसपास इसकी प्राइस टू अर्निंग है। इंडस्ट्री की प्राइस टू अर्निंग 19 के आसपास है, यानी कि इंडस्ट्री की प्राइस टू अर्निंग से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो अभी भी अंडर वैल्यूड ये स्टॉक नजर आता है। क्या स्टॉक की ग्रोथ कैसी है ये देख लेते हैं। तो अगर रिसेंटली आप देखेंगे, हाईएस्ट एवर किसी भी क्वार्टर के नंबर्स इसने पेश किए हैं, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ जो है वो बहुत जबरदस्त ग्रोथ रही है, और ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ यहां पर रही है। प्रॉफिट में भी जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखेंगे डबल से ज्यादा इसके प्रॉफिट्स यहां पर हो गए हैं। अब जब नेक्स्ट क्वार्टर में इसके रिजल्ट्स आएंगे तो उम्मीद है मुझे कि इन जो पिछले 2 क्वार्टर्स के नंबर थे, यानी कि 150 करोड़ या 181 करोड़, इनके आसपास ये नंबर्स एटलीस्ट आएंगे। तो यहां से भी डबल होते हुए आपको नेक्स्ट क्वार्टर में अपने नंबर्स इसके देखने को मिलेंगे। तो ईयर ऑन ईयर लेवल पे यहां से लगभग 100% तक की ग्रोथ आपको प्रॉफिट में देखने को मिल सकती है, ऐसा मेरा एस्टीमेट है, जो कंपनी की सारी डिटेल्स यहां पर आ रही है। तो इसलिए यहां पर नेक्स्ट जो क्वार्टर है उसके हिसाब से भी इसमें ग्रोथ आपको फर्दर देखने को मिल सकती है। यहां पर भी अगर आप देखें, लगभग 100% के आसपास की ग्रोथ प्रॉफिट में हुई है। स्टॉक ने ऑलरेडी ग्रोथ दी है, लेकिन यहां से भी अभी अंडर वैल्यूएशन इस स्टॉक में मुझे यहां पर नजर आती है, इसलिए मैं इस स्टॉक में पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहा हूं। आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो डबल इसके प्रॉफिट्स हो गए हैं 1 साल में। और तीसरी चीज, जो सेक्टर है, सेक्टर भी इसका काफी अच्छा है। अगर आप देखेंगे इंडिया में रिटेल सेगमेंट्स में रिटेल इन्वेस्टर्स की ग्रोथ बहुत ज्यादा अनबाई बढ़ गई है। यहां पर इंडिया की मार्केट में बहुत जबरदस्त ग्रोथ हो रही है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट हो रही है, रिटेल इन्वेस्टर्स FNO में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनमें पैसा लगा रहे हैं। तो इन सभी चीजों की वजह से जो ये ब्रोकरेज है, सिक्योरिटीज है, यहां पर आपको ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। और ऐसे में आप देखेंगे एंजल वन एक कंपनी है, इसके अलावा 5 पैसा, ये सारी कंपनीज अभी 22-23 के प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रही है। अगर हम इन कंपनीज की यहां पर देखते हैं, एंजल वन आप देखेंगे 21 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग पे है। इसके अलावा आप देखेंगे नुवामा हेल्थ लगभग 26 की है, प्रूडेंट कॉर्पोरेशन यहां पर 48 की प्राइस टू अर्निंग है। ऐसे में IIFL सिक्योरिटीज अभी भी काफी अंडर वैल्यूड यहां पर मुझे नजर आती है, और मुझे लगता है कि आने वाले 6-8 महीने में ये अच्छी रिटर्न स्टॉक यहां से दे सकता है, इसलिए मैंने इस स्टॉक में कुछ पैसा अभी यहां पर अपना इन्वेस्ट किया है। ओवरऑल स्टॉक यहां पर अच्छा लगता है, फंडामेंटली मुझे लगता है कि ग्रोथ यहां पर इस स्टॉक में आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाली है, क्योंकि सेक्टर अच्छा है, कंपनी में प्रॉफिट्स में और उसमें ग्रोथ हो रही है, और तीसरी चीज वैल्यूएशंस भी इस कंपनी की काफी नीचे अभी अपनी इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग से नजर आती है। तीनों चीजों का कंबिनेशन यहां पर मुझे दिख रहा है इस कंपनी में। इसके अलावा 2 स्टॉक्स हैं जो मैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग यहां पर कर रहा हूं, पोजिशनल ट्रेडिंग यहां पर मैं करने वाला हूं इनमें। तो पहला है IRFC। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, कंपनी ने रिसेंटली अपने नंबर्स पेश किए हैं, और नंबर्स अगर हम देखेंगे तो जो सेल्स है इनकी वो लगभग फ्लैट है, सेल्स में गिरावट थोड़ी बहुत देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल जो प्रॉफिट्स हैं उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली, और हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स किसी भी एक क्वार्टर के यहां पर इस कंपनी ने पेश किए हैं। अब इसके बाद इसमें आपको तेजी स्टॉक में देखने को मिली है, और ये जो इसका इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल था 170 के आसपास का जो इसका लेवल्स था, इसको तोड़ के अब ये स्टॉक और ऊपर निकल चुका है। तो शेयर ने एक अच्छा ब्रेकआउट यहां पर दे दिया है, तो ये एक पहला रीजन है। और दूसरा, अगर 4 जून को सेम गवर्नमेंट फॉर्म होती है, तो सेम गवर्नमेंट में हमने बात की थी कि रेलवे सेक्टर पे बहुत ज्यादा फोकस रहने वाला है, तो सेंटिमेंटल यहां पर देखा जाएगा कि अगर वो सेम चीज होती है तो इस स्टॉक में और फर्दर रैली यहां से भी देखने को मिल सकती है। तो ये रीजन है कि मैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूं, कि यहां से आपको अच्छी रैली स्टॉक में ऑलरेडी यहां पर ऑलरेडी 400% के आसपास के रिटर्न स्टॉक ने दी है, लेकिन यहां से भी फर्दर आपको स्टॉक में मोमेंटम अभी देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे, स्टॉक पहले 170
के आसपास गया था, फिर वहां से स्टॉक ने गिरावट दिखाई थी मार्च में, जब बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आई थी, एक कंसिस्टेंट गिरावट थी और 140 के आसपास शेयर कंसोलिडेट हुआ है 1-1.5 महीने। उसके बाद से आप देखेंगे फिर से मई में तेजी देखने को मिली है, और ये जो तेजी है इससे मुझे एक आइडिया यहां पर ये मिलता है कि जो स्टॉक मार्केट है वो अभी एंटिसिपेट कर रही है कि सेम गवर्नमेंट यहां पर फॉर्म होने वाली है, इसलिए रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स सारे अभी ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक फर्दर यहां से रैली करने वाला है, तो इसलिए मैंने इस स्टॉक में यहां पर इन्वेस्टमेंट की है। इसके अलावा और एक रेलवे सेक्टर का स्टॉक्स है जिसका नाम है RVNL, तो यहां पर मैंने इस स्टॉक में लगभग 300 रुपए के आसपास यहां पर इन्वेस्टमेंट की है। अब इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे, एक तो रिजल्ट्स बहुत शानदार यहां पर आए हैं, हाईएस्ट एवर सेल्स इस कंपनी ने पेश किए, तो अभी तक लास्ट क्वार्टर तक अगर आप देख रहे थे तो बातें हो रही थी कि बहुत अच्छी चीजें हो सकती है, लेकिन वो चीजें रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी, अब वो चीजें रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट होने लगी है, तो सेल्स बढ़कर हाईएस्ट एवर यहां पर पहुंच गई है। नंबर्स अगर इसके हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो हाईएस्ट एवर किसी भी क्वार्टर के नंबर्स यहां पर आए हैं। रिसेंटली कंपनी को एक ऑर्डर भी मिला है, और ओवरऑल जो ऑर्डर बुक है, अगर हम इसकी ऑर्डर बुक की भी बात करेंगे, तो ओवरऑल जो इसकी ऑर्डर बुक है वो भी बहुत ज्यादा अभी लेवल्स पे यहां पर पहुंच चुकी है। तो ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से स्टॉक में अभी आने वाले टाइम में मोमेंटम आपको देखने को मिलने वाला है। कंसिस्टेंट ग्रोथ अभी इसके प्रॉफिट में और सेल्स में यहां पर देखने को मिली है, और उसके अलावा जो अगेन हमने रेलवे सेक्टर पे कल परसों भी मैंने वीडियो में आपको बोला था कि रेलवे सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, ये दो सेक्टर्स हैं जिसमें आने वाले 4-5 साल में एक अच्छी खासी इन लेवल से भी तेजी आपको देखने को मिलेगी। जो PSU सेक्टर्स हैं वहां पर आपको तेजी देखने को मिलने वाली है, और ये दो कंपनीज मुझे लगता है कि जो इलेक्शन के आसपास आपको देखने को मिलेगा, अगर इलेक्शन में रैली होगी इलेक्शन के आसपास, तो ये शेयर्स में भी एक अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिलेगी। तो ये दो शेयर्स मैंने इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर खरीदे हैं, और यहां पर भी अगर आप देखेंगे जो 320 के लेवल्स थे उसको क्रॉस नहीं कर रहा था, और वहां से अब इस स्टॉक में फिर से एक ब्रेकआउट आ चुका है। और आप अगर इस शेयर का पैटर्न देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे मई 23 से लेके 29 अगस्त के आसपास तक यहां पर इसने एक कंसोलिडेशन दिया, फिर एक रैली आई, फिर कंसोलिडेशन दिया, फिर एक रैली आई, फिर नीचे के लेवल पे कंसोलिडेशन दिया। मुझे लगता है इस कंसोलिडेशन के बाद फिर से ये रैली आने को तैयार है इन स्टॉक्स में। तो ये तीन स्टॉक्स हैं जिनमें मैं अभी यहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, थोड़े से रिस्की यहां पर रहने वाले हैं। दो स्टॉक्स मुझे यहां पर लगता है वैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा रिस्की, IRFC और RVNL, लेकिन यहां पर सेंटिमेंट्स को रखते हुए, नजर में रखते हुए, मोमेंटम को नजर में रखते हुए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। और तीसरा स्टॉक IIFL सिक्योरिटीज मुझे लगता है यहां पर अभी भी थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है, और यहां से मौका है और 25-30% की रिटर्न कमाने का। तो लेट्स सी आने वाले 6-8 महीने में कैसे यहां पर रहता है। जरूर वॉलिटिलिटी रहेगी इन शेयर्स में, लेकिन मुझे लगता है कि इन शेयर्स में अच्छी रिटर्न्स आप मेरे को यहां पर मिलने वाली है। लेकिन याद रखिएगा, मेरे इस पोर्टफोलियो में और भी काफी शेयर्स हैं जिनमें मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक, IT सेक्टर के कुछ शेयर्स और बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स, जो मेरे पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी देते हैं, इसलिए मैं अपने बाकी पैसे पे कुछ ज्यादा रिस्क ले पाता हूं। इससे पहले मैंने आपको बताया था मैंने शक्ति पंप जैसे थोड़े रिस्की शेयर्स में, जीनस पावर, जेंसोल इंजीनियरिंग जैसे शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, जो थोड़े से रिस्की शेयर्स है, लेकिन वहां पर अभी मुझे अच्छी खासी रिटर्न्स यहां पर मिल गई है। तो वहां पे रिटर्न्स अभी मुझे मिल रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा रिस्क अपने पोर्टफोलियो पे ले पा रहा हूं। आप अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करिएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।